मैं आज आपके लिए काफ़ी दिनों बाद वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि मेरी वेबसाइट इंटरनेट पर लाइव नहीं थी, क्योंकि मेरी वेबसाइट में काफ़ी मालवेयर एंड वेबसाइट हैक ही हो गई थी, जिसके कारण एक मंथ से वेबसाइट बंद थी। लेकिन फाइनली मैंने वेबसाइट को रिलीव कर लिया और वेबसाइट को इंटरनेट पर लाइव कर दिया है। ठीक है, और जो वीडियो आज हम क्रिएट कर रहे हैं वो फेस टू फेस है, जिससे मेरा पहला वीडियो आप समझ सकते हैं। काफ़ी मैंने वीडियो 100 125 वीडियो हैं मेरे चैनल पर, ठीक है, जिसमें मैंने फेस नहीं दिखाया, फेस टू फेस बात नहीं की। ठीक है, आज जो पहला वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो हाइपरलिंक के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली आप एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो भी आप यूज करते हो तो आपने हाइपरलिंक का नाम तो सुना ही होगा, और बेसिकली आप बहुत से लोग जानते भी होंगे कि हाइपरलिंक का काम होता है कि एक फाइल को दूसरी फाइल को जोड़ना, वो भी ऑफलाइन ना कि ऑनलाइन। ठीक है, तो आप हाइपरलिंक का उपयोग ऑफिशियली या लीगल वर्क में कहाँ कैसे यूज करना है, तो मैं आपको केवल वही बात आपको बताऊंगा कि आप अपनी कंपनी या अपने खुद की कंपनी में यदि काम कर रहे हो कंप्यूटर पर, तो उसको हाइपरलिंक का उपयोग हम कैसे करें। तो इसका बड़े आप ध्यान से फोकस करके सुनना कि हाइपरलिंक हम कहाँ यूज करें। तो सपोज कर फ्रेंड कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हो या आपकी कंपनी में ज्वाइनिंग हुई है। ठीक है, तो कंपनी के बॉस मेंबर या बॉस या डायरेक्टर आते हैं आपके पास और आपसे कहते हैं कि भैया आप मुझे ये फाइल दे दीजिए और इसका ये फाइल को निकाल कर और आप इसका प्रिंट निकाल के मुझे फाइल पिंच करके मुझे दे दीजिए। ठीक है, अब आप कंप्यूटर बैठे हो, आप कंप्यूटर में डी में जाओगे, ई में जाओगे, पर्टिकुलर फोल्डर में जाओगे, तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करती है और सिस्टमेटिक मतलब डायरेक्टली कम समय में ज़्यादा काम नहीं हो पाता। उसके लिए आप फाइल खोल के उस फाइल को खोलती हो या फिर सर्च में टाइप करते हो, सर्च में कभी कभी नहीं आती, तो इसका क्या होता है सिस्टमेटिक वे काम नहीं हो पाता, इसलिए फाइलें मेंटेन नहीं हो पाती, इसलिए वो सर्च में नहीं आ पाती, सर्च में नाम ना आने से इसलिए एक्चुअली में उसका एग्जैक्ट नाम नहीं होना चाहिए। तो हाइपरलिंक का यहाँ कैसे यूज करें, तो देखिए फ्रेंड आप क्या करोगे, आपकी यदि कंपनी में ज्वाइनिंग हुई या कंपनी में आप काम कर रहे हो या अपनी खुद की कंपनी है, तो आप क्या करो, सपोज करो कंपनी में 1000 फाइल है बैकग्राउंड में। ठीक है, 1000 फाइलें आपकी हैं और पूरी कंपनी का लीगली वर्क है वहाँ पे, तो आप क्या करोगे फ्रेंड, उन 1000 फाइलों का आप एक एमएस वर्ड या कोई भी फाइल बनाओगे। ठीक है, और उस 1000 फाइल को नाम देकर उसको एक फाइल में कनेक्ट कर दोगे हाइपरलिंक को थ्रू ऑफलाइन, जिससे क्या होगा फ्रेंड कि आप बॉस या आप किसी बॉस आता है या डायरेक्टर आता है, कंपनी का कोई मेंबर आता है, ठीक है, तो आपसे पर्टिकुलरली बोलता है कि 3 नंबर या 4 नंबर, मैं आपको बेसिकली आपको एग्जाम्पल करके बता रहा हूँ कि आप 4 नंबर की फाइल मुझे दीजिए, तो आप क्या करोगे, इंडेक्स फाइल खोलोगे एमएस वर्ड की और 4 नंबर की फाइल पे क्लिक करोगे और 4 नंबर की फाइल ऑटोमेटिकली खुल कर आ जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, तुरंत भी आपका वर्क फास्ट होगा और आपका काम भी इम्प्रेशन वाला होगा, और जिसमें क्या है आपको जो कंपनी का मैनेजर डायरेक्टर के आप उसके मतलब अच्छे मतलब क्वालिटी कंप्यूटर ऑपरेटर में आ जाओगे, जिससे क्या होगा आपका मतलब फास्ट हो जाएगा वर्क और एक तरह से आपको सिस्टमेटिक वे से भी काम हो जाएगा, जिससे क्या होगा आपके कंप्यूटर पे जब भी कोई भी फाइल 1 2 नंबर कोई भी किसी भी नाम से कोई भी फाइल होगी तो आपको कोई फाइल के कोई खोलने की जरूरत ही नहीं है, आपको किसी फाइल से कोई मतलब नहीं, वहाँ है वहाँ डली रहे, लेकिन आप तो केवल एमएस वर्ड की वही फाइल खोलिए और डेस्कटॉप पर डाल दीजिए। डेस्कटॉप पर डालने के बाद आप उसको खोले रखिए, कंपनी पे कोई भी आता है मेंबर और कोई भी आता है और तुरंत मांगता है, तो आप सिंपल से आप अपने एमएस वर्ड खोलिए, फाइल का हाइपरलिंक से तो जोड़िए, कंट्रोल ऐप दबाकर फाइंड कीजिए, फाइंड करने के बाद आप नाम सर्च कीजिए फाइल का, सर्च करके नाम आ जाएगा उस फाइल का नाम, फाइल पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली फाइल खुल जाएगी, तुरंत काम हो जाएगा, प्रिंट निकाल कर दे दीजिए। अब सपोज करो मेल करोगे तो ऐसी कंडीशन कहाँ यूज करोगे, सपोज करो आपको डायरेक्टर गए आपकी कंपनी के एम्प्लॉय या मैनेजर को ये बात अच्छी लगी कि सिस्टमेटिक काम है और हाल तुरंत हो रहा है, तो उन्होंने की इंडेक्स फाइल सबसे बेस्ट है, आप इसको मेल कीजिए, इससे काम वो भी समझ ले। अब यहाँ पे पॉइंट है, इसको पास को ध्यान रखना, जब आप फ्रेंड आप इंडेक्स फाइल जो आपने 1000 बैकग्राउंड फाइलों की हाइपरलिंक से लिंक को कनेक्ट किया है और आप उस इंडेक्स फाइल को किसी पर्टिकुलर मेल करते हो, आप सपोज करो मुझे कर रहे हो, तो मैं उस इंडेक्स फाइल में पर्टिकुलर फाइल को खोलता हूँ या 3 नंबर या 4 नंबर की, तो वो नहीं खुलेगी। क्यों नहीं खुलेगी, क्योंकि बैकग्राउंड का जो रिसोर्स है आपने वो तो फाइल भेजी नहीं है,
कैसे खुलेगी? तो ध्यान रखिए, इंडेक्स फाइल तभी काम करेगी जब उसके साथ पीछे बैकग्राउंड फाइलें भी होना चाहिए आपके कंप्यूटर में। तो आप मेल करोगे इंडेक्स फाइल, तो उसके साथ 1000 फाइल भी आपको मेल करना होगा, तभी वो प्रॉपरली वर्क करेगा। इससे क्या होगा, जब भी वो खोलेगा तो मेल में ऑटोमेटिक होगी, तो मेल से खुलने के बाद वो डाउनलोड मांगने लगेगा। तो बेसिकली हमारा था हाइपरलिंक से रिलेटेड, आप समझ ही गए होंगे हाइपरलिंक का कहाँ कैसे यूज करना है। ठीक है, आई होप आपको अच्छा वीडियो लगा। ओके फ्रेंड, एंड थैंक्स एंड बाय बाय। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स एंड बाय बाय।